प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। झारखंड शिक्षक नियुक्ति को लेकर इंतजार लंबा हो रहा है। अब झारखंड राज्य के प्लस टू विश्वविद्यालयों में हाई स्कूल शिक्षकों के लिए आरक्षित सीटें रिक्त नहीं रहेंगी। अगर आरक्षित पद पर शिक्षक सफल नहीं होते हैं तो रिक्त पदों को सीधी नियुक्ति के लिए आवेदन जमा करने वाले अभ्यर्थियों से भर दिया जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा प्लस टू शिक्षक नियुक्ति नियमावली में किए गए संशोधन में इसका प्रावधान किया गया है। प्लस टू विश्वविद्यालयों की नियुक्ति में हाई स्कूल के शिक्षकों के लिए 50% पद आरक्षित हैं। अब तक झारखंड गठन के बाद प्लस टू विद्यालयों में जब भी शिक्षकों की नियुक्ति होती है, हाई स्कूल शिक्षकों के लिए आरक्षित आधी से अधिक सीटें रिक्त रह गईं। विज्ञान विषयों में तो रिक्त सीटों की संख्या 50% से अधिक थी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने बदलाव के लिए नियमावली को शिक्षा मंत्री की सहमति के बाद वित्त विधि और कार्मिक विभाग को भेजा है। विभागों ने भी सहमति दे दी है। अब संशोधित नियमावली को कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाना है। झारखंड में शिक्षकों के लिए 60,000 नए पदों के सृजन में पेच फंसा है। पद वर्ग समिति ने 60,000 शिक्षकों के नए पद के सृजन पर आपत्ति जताई है। समिति ने पद सृजन और इस पर नियुक्ति से राज्य सरकार पर वित्तीय भार बढ़ने की बात कही है। पद सृजन के बाद उन पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होती है और हर शिक्षकों को 30,000 रुपये वेतन दिया जाता है तो झारखंड सरकार पर मासिक 180 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। सरकार पर सालाना 2,160 करोड़ की अतिरिक्त वित्तीय भार हो जाएगा। वित्तीय भार को देखते हुए पदवर्ग समिति ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के पद सृजन के प्रस्ताव में कटौती करने का सुझाव दिया है। शिक्षा विभाग अब सुझाव पर अमल करने की तैयारी कर रहा है। राज्य में बच्चों के अनुपात के आधार पर 72,000 शिक्षकों के पद सृजन करने की आवश्यकता है। शिक्षा विभाग ने 60,000 पदों के सृजन की तैयारी शुरू कर दी है। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।